दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई आप भी मेरे साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई इस बेहतरीन अदाकारा को उनकी जन्मदिन की बधाई देना ना भूलिएगा। तो हैप्पी बर्थडे कियारा आडवाणी, आप जियो हजारों साल और आप अपनी बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से लगातार कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते जाओ, ये प्रार्थना मैं करूँगा आपके लिए भगवान से। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया भैया कि आज कियारा आडवाणी का जन्मदिन है और आज उनके हाथ एक ऐसी खुशी लगी है जिसको सुनने के बाद वो फूले नहीं समा रही है और अपनी इस खुशी को अपने चाहने वालों के बीच में शेयर करती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, क्या है ये खुशी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई बेहतरीन अदाकारा यानी कि कियारा आडवाणी की एक और नई फिल्म से, जिसकी घोषणा आज उनके जन्मदिन पर कर दी गई है साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि एस शंकर के द्वारा। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों कियारा आडवाणी अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि शेरशाह को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि 12 अगस्त को रिलीज होने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि Amazon Prime पर। और भाई, इस फिल्म को लेकर ये बात तो पक्के तौर पर कही जा रही है कि भैया ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी OTT प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, इन फिल्मों की तो चर्चा हो रही है, लेकिन आज कियारा आडवाणी को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई उनके हाथ एक और बेहतरीन फिल्म लग गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एस शंकर ने अपनी आने वाली अगली फिल्म की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भैया इस बार उनकी आने वाली इस फिल्म में एंट्री मारने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के सुपर स्टार यानी कि रामचरण। यानी कि भैया RC-15 की घोषणा करते हुए इस बात की जानकारी सबको दे दी गई थी कि भाई RRR के बाद में रामचरण की जो आने वाली अगली फिल्म है उसको डायरेक्ट करने वाले हैं एस शंकर और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं दिलराजू और शिरीष गुरु। और भाई, ये जो फिल्म है वो श्री वेंकटेश्वर प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाई जाएगी और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी क्लियर कर दी गई थी कि भाई ये फिल्म 3 लैंग्वेज में आने वाली है। यानी कि भैया ये फिल्म भी एक पैन इंडिया मूवी है जो कि तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। और दोस्तों, आज इस फिल्म को लेकर ये फाइनली घोषणा कर दी गई है कि भैया इस फिल्म में रामचरण के अपोजिट नजर आएंगी कियारा आडवाणी। और जैसे ही ये खुशखबरी मिली एस शंकर के माध्यम से कियारा आडवाणी को, तो भाई कियारा आडवाणी इस खबर को सुनते ही फूले नहीं समा रही हैं खुशी से। यानी कि वे अपने खुशी का इजहार करते उन्होंने ये बातें सबके सामने रखी है कि ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है कि उनके हाथ एक बेहतरीन सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका लग चुका है और वो इस मौके को पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगी। यानी कि ये उनके लिए एक बेस्ट अचीवमेंट है उनके इस जन्मदिन पर। यानी कि इससे बेहतरीन तोहफा उनको जन्मदिन पर और कुछ नहीं मिल सकता था कि भाई उनको एस शंकर की फिल्म मिली है और वो भी रामचरण के साथ। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि रामचरण और कियारा आडवाणी की जोड़ी जब एस शंकर के माध्यम से सिनेमा घर में आएगी तो भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।